साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाली है। शानदार खुशखबरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ एक शानदार भर्ती के बारे में। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाल दी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4,755 प्लस वैकेंसी निकाल दी गई हैं, जो कि शानदार वैकेंसी यहाँ पे होने वाली हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसको अप्लाई करेगा, सारे टर्म एंड कंडीशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन अप्लाई करेगा, सारे टर्म एंड कंडीशन हम बताएंगे। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे देख सकते हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिशन डायरेक्टरेट नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, आंध्र प्रदेश से निकाली गई है प्यारे दोस्तों, ठीक है। जो वैकेंसी है, वैकेंसी की पूरी डिटेल हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। टोटल जो पद होने वाले हैं दोस्तों, 4,500 प्लस पद होने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या होती है। यहाँ पे देखिए, आपके लिए न्यू दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक है जो है रिक्रूटमेंट फॉर MLHP यानी कि CHO। उसके बाद में जो पहली वाली है, ये कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, इससे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जो है इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम देखा जाए, तो हमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेंगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ गया है। यहाँ पे देखिए, जो पोस्ट का नाम है MLHP यानी कि CHO है, ठीक है। CHO को बोलते हैं MLHP, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। उसके बाद में जो पोस्ट संख्या है, 4,755 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। यहाँ पे इनको जून वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जून फर्स्ट के लिए विशाखापट्टनम में 974 पोस्ट हैं, जून सेकेंड के लिए इस तरीके से यहाँ पे जो है वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। टोटल जो पोस्ट होने वाली हैं, 4,755 पोस्ट होने वाली हैं। अब आगे की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में क्या मांगा गया है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, GNM वाले और BSc नर्सिंग वाले कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूंगा, BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, BSc नर्सिंग के साथ में यहाँ पे जो है CCH का जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है, और CCS सर्टिफिकेट के साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी कि अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको पहले बताना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं, उनके को पता नहीं रहता कि इसमें जो है अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए सारी जो है चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, BSc नर्सिंग मांगा है, GNM वालों को नहीं लिया है, CCS के साथ में, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आंध्र प्रदेश का मांगा गया है। चलिए, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, एज लिमिट के बारे में अगर बात की, लिमिट देखिए, यहाँ पर जो है 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मस्ट नो हैव कम्प्लीट 35, और जो OBC BCST वाले हैं वो 40, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे कुछ भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट मेरिट पे ही सिलेक्शन होने वाला है, जो कि शानदार खुशखबरी है। डायरेक्ट आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, शानदार भर्ती का जो है इन सभी डायरेक्टरों के पास में जो है कमेटी के ये जो कुछ ऑफिसर्स हैं, इनको सौंपा गया है। ये इस भर्ती का जो है सब कुछ क्लियर करेंगे, और जल्दी ही क्लियर करेंगे। इस भर्ती का जो सारा शेड्यूल है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब पोस्टिंग देने वाले हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, देखिए सब कुछ अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ आ जाएंगी, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली आपको, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको जो है इसका शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल यहाँ पे बताया गया है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। डेट पहले से ही फिक्स कर दी गई है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे 6/4 को निकाल दिया गया था, और जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों 7 से। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन 16 तक, आप लास्ट जब तक फॉर्म एप्लीकेशन भर सकते हो। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 20 तारीख को, और लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो 23 तक यहाँ पे 23 को ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, 25 तक जो है आपकी पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ये 26 तक हो जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 27 को यहाँ पे आपकी जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और डेट ऑफ काउंसलिंग आपको 28 को देखने को मिल जाएगी। 28 से 30 तक यहाँ पे जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपका इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती की पूरी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज बची है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।